मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इसे सच करते नजर आ रहे हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें हौसला दिया है भविष्य ने। जी हाँ, दो व्यक्तियों की सोच से शुरू हुई छोटी सी एक संस्था जिसे नाम दिया गया भविष्य का, आज उस कारवां में नोएडा के कई नौजवान जुड़ गए हैं और इनकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। इन नौजवानों की कोशिशों को रूप दिया गया आज के कार्यक्रम के जरिए, जहाँ नए साल के स्वागत के लिए इन बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। गरीब माँ बापों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना एक सपने जैसा था, लेकिन इनके सपने को सच किया भविष्य संस्था से जुड़े नौजवानों ने, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर इन बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और आज ये बच्चे इस काबिल हैं कि अपने आप को प्रतिभा दिखा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए संस्था द्वारा एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं अतिथियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान नोएडा की पूर्व विधायक विमला बाथम, वरिष्ठ पत्रकार ललित मोहन के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं विमला बाथम ने बच्चों के साथ काफी समय बिताया और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए संस्था को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया। मंचा सिंह मेरी बड़ी बहन और मंच पर विराजमान मेरे भाई साथी, भविष्य जो एक ऐसी एनजीओ, जब शुरुआत हुई जैसे अभी इन बच्चों ने बताया, अक्सर यही बात हुआ करती थी, और एक बिल्कुल एक तिराहे पे बैठकर इसकी योजना तैयार करी गई। जब मन हुआ, कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब इंसान जुड़ता है, हम तो यूं ही चलते चले गए और कारवां जुड़ता चला गया। जब एक इंसान हिम्मत रख ले ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। और इन बच्चों ने मेहनत इनकी आज रंग ला रही है। भाई दो बच्चे थे, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, आज 20 हो गए। और इतना बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे देखिए सब एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं, और इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बस कम शब्दों में यही कहूँगा, जो संस्था का जिस तरीके से एनजीओ का नाम भविष्य है, वो ही भविष्य इनके भविष्य को निखारे। इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर खड़ी है, विशेष रूप से जो हमारी जो नारी शक्ति का प्रतीक है, ये भी इसमें जुड़ी हुई हैं, और युवा शक्ति के प्रतीक ये सब जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात मुझे लगती है, क्योंकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल तो ललित मोहन जी लड़के लड़कियाँ जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो शाम का टाइम है तो दोस्तों के साथ पार्टी है, डिस्को है, ये है वो है, इसमें सब में हम समय लगाते हैं। लेकिन मैं बहुत इस बात के लिए गर्व कर रही हूँ कि भारत की भूमि पर पैदा हुए ऐसे बच्चे जो आज इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, ये वाकई जितनी तारीफ इन बच्चों की जाए उतना कम है। सफाई, तो बच्चों तुम्हारा पहला सबक जिंदगी का शुरू होता है सफाई से। सफाई कहाँ, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में और अपनी गली में। अगर तुम्हारी कोई आंटी कूड़ा डालती हो तुम्हारे आसपास, उनको रोक दो कि आंटी ये गलत काम कर रही हैं, आप कूड़ा उठा के डस्टबिन डालिए। बच्चे हैं तुम्हारी कोई बात का बुरा भी नहीं मानेगा, हम लोग कहते तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो अभी से तुम लोग अपने जेहन बिठा लो कि तुम्हें आगे बढ़ के मोदी जी का सपना, और मोदी जी का सपना तो है ही, ये तो आप सबका सपना है, हम सबका सपना है। क्योंकि जो हमारे बाहर के लोग आते हैं कहते हैं भारत बड़ा गंदा देश है, उसमें गंदगी बहुत रहती है, उस कलंक को हमें मिटाना है। और बच्चे, तुम लोगों में से ही कोई मोदी जी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। अरे मोदी जी तो बहुत गरीब घर के हैं, सबको मालूम है, सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। तुम लोग कोई बन सकता है, कोई मोदी बन सकता है, कोई विमला बाथम बन सकती है, कोई ललित मोहन जी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है बेटा। अभी कुछ पता नहीं तुम्हारे फ्यूचर में क्या तुम्हारे भाग्य में लिखा है, लेकिन खाली भाग्य में लिखा नहीं, आपको मेहनत करनी है, पूरे जोर से मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, इसमें कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है। जब आप एक ठान लोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और आपकी इतनी सी संस्था भविष्य है वो आपकी मदद करेगी। हम जैसे लोग बैठे हैं, कहीं दिक्कत परेशानी है तो हम लोग मदद करेंगे।